वो तेरी खैर, फंस के अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम सेवा ईरान। जिस छोटी सी सिटी है, कल मैं इसके पास पहुंचा था तो मैंने सोचा था कि चलो कैंपिंग कर लूँगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे होटल ले लूँ। और ये बिल्कुल तेहरान के पास है, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला होगा तेहरान। और अभी मैं नाश्ते की टेबल पे हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ और आप ख़ुद डिसाइड करें कि कितना सिंपल नाश्ता आज मुझे मिला है। ये जो बड़ी सारी पॉट है, इसके अंदर चाय और बाकी ये दो तीन डब्बियाँ पड़ी हैं, पता नहीं इनमें क्या है, कोई चीज़ होगा और साथ में मक्खन वगैरह होगा और दैट्स इट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ मिल गया, कोई इसको खाते हैं, ख़त्म करते हैं और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले जाएंगे हम कौम, जो कि शिया सेक्ट की एक काफ़ी रिलीजियस सिटी है, मशहद के बाद सेकंड रिलीजियस सिटी है ईरान के अंदर। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक तो श्राइन से वो विज़िट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे काशान की तरफ। काशान में एक तो मॉस्क है, एक श्राइन है, वो विज़िट करनी है इंशाल्लाह, और उसके बाद हम जाएंगे इस्फहान की तरफ। आज का जो टोटल डिस्टेंस मैं कवर करूँगा अराउंड 420 किलोमीटर 430, तो लेट्स सी। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हम टाइम पे आसमान पहुँच जाएंगे आज। लेकिन मैं यहाँ से ही, मैंने लड़के से जो रिसेप्शन पे बैठा है उससे इंटरनेट लिया, क्योंकि मेरे होटल में इंटरनेट नहीं है और मैंने एक होटल ढूंढ लिया, क्योंकि ख्वारी होगी अगर मैं शाम को उधर पहुँचता हूँ और फिर ढूंढना शुरू करता हूँ। तो अभी नाश्ता अपना ख़त्म करते हैं और दिन स्टार्ट करते हैं। बाइक मेरी जो है वो बाहर बिल्कुल रेडी है, मैंने उसके ऊपर सामान लगा दिया है, तो अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह पाक खैर खरीय से आज का दिन भी गुजारना। चलें जी, इसको गुजरने देते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। यहाँ का मेरा होटल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नहीं रहा यार, रूम वगैरह तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन उन्होंने एयर कंडीशनिंग रात को ही बंद कर दी। मैं तो कहता हूँ कुछ ना पूछे, ये जो कौम डेजर्ट है बहुत गर्म है, अभी से पसीने छूट रहे हैं और अभी 7:30 हुए हैं। आप कुछ ना पूछे जो हाल है इधर, पता नहीं रात को उन्होंने क्यों एयर कंडीशनिंग बंद कर दी थी, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन खैर हमारा दिन गुजर गया, अब इंशाल्लाह जो आगे आज रात का जो होटल है देखते हैं कि वो किस तरह का मिलता है। ये वाला तो ठीक ही था, गुजारा कर गया था, लेकिन एक्सपेंसिव था, मुझे इसका है डबल प्राइस मुझे देनी पड़ी और मेरे सारे के सारे जो ईरानियन रियाल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। मुझे अभी किसी न किसी जगह से एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे, मेरे पास यूरोज़ हैं और यूरोज़ यहाँ पे दो चीज़ें, एक गवर्नमेंट रेट है और एक अनऑफिशियल रेट है। जो अनऑफिशियल रेट है वो गवर्नमेंट रेट से डबल है, तो हमें कोई ना कोई जगह ढूँढनी पड़ेगी जहाँ हमें अच्छे एक्सचेंज रेट मिल जाएँ। लेकिन मसला ये है कि ढूँढे कैसे, अब हम लोग सिटी से आ गए हैं बाहर, शुक्र है जलालत नहीं उठानी पड़ी। और आज क्योंकि हम लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकल आए हैं, इसलिए और भी थोड़ा सा आसानी से सिटी से बाहर निकल आए हैं, नहीं तो अच्छा खासा टाइम लग जाता सिटी से निकलते निकलते। ये जो आप सारा डेजर्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं कौम डेजर्ट, और कौम डेजर्ट यहाँ के सेंट्रल ईरान वाला जो एरिया है ये सारा कौम डेजर्ट के अंदर आता है। उसके बाद लुत डेजर्ट है जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है जायदान की तरफ, उससे गुजर के जाएंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो ये एरिया यहाँ का बहुत गर्म एरिया है और सर्दियों में यहाँ पर टका के सर्दी भी पड़ती है, ये पुलिस इनकी जगह जगह पर बैठी होती है। हम लोग इंटर हो गए हैं और अब मैं रूट लूँगा सीधा होली श्राइन की तरफ। यहाँ से तकरीबन कितना दिखा रहा है, 6-7 किलोमीटर दिखा रहा है, बस भूलना नहीं है, रास्ता नहीं भूलना हमने। एंट्रेंस तो सिटी की काफ़ी खूबसूरत है और अभी यहाँ पे कोरोना वायरस, आपको पता है कि इसी सिटी, ये एपी सेंटर है ईरान का, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि मैं यहाँ से गुजर जाऊँ और श्राइन को विज़िट किए बगैर। बस हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अब श्राइन के आसपास ही कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मैं पार्क कर सकूँ,
और सामान का ये है कि कोई शॉप वाले किसी को कह देंगे कि यार ख्याल रख ले तेरी मेहरबानी, जल्दी से हम होके आ जाएंगे, क्योंकि सामान मतलब ले के तो नहीं जा सकता मैं अब अपने साथ सारा, और इतना सेफ़ नहीं है यहाँ पे। वैसे तो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी लोकल से पूछो तो वो कहता है ख़तरनाक ख़तरनाक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब जो ज़ायरीन वगैरह हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं, काफ़ी रश होता है यहाँ पे। अभी मैं इधर ही सोच रहा हूँ ये पुलिस वालों किसी को कहता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ पे खड़ी करके जा सकता हुआ तो, यहाँ पे कोई है पुलिस वाले? Assalamualaikum. I want to go to shrine. Okay. So because I have some luggage, so is it possible to park somewhere that someone can see the bike is safe, and I go to shrine and then come back and ride? Where you come from? I'm coming from Germany and going to Pakistan. Pakistan. Yeah. Sir, do you know the Bahawal? Thank you. Yes. I go. Okay. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير ये श्राइन है हज़रत फ़ातिमा मसूमा अलैहिस्सलाम की, जो आठवें इमाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन थी। शिया मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनकी जो होलीस्ट श्राइन्स हैं उनमें से एक है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दुआएं मांगने के लिए, इबादत करने के लिए, और बहुत आजकल तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन नॉर्मल डेज़ में स्पेशली अशूरा वाले दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। मुझे अंदर कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैंने जितनी फुटेज बनाई है वो गोप्रो और अपने मोबाइल से बनाई है। कौम सिटी एज अ जनरल ईरान की जो सबसे होलीस्ट सिटीज़ हैं या रिलीजियस सिटीज़ उनमें से एक है, और जो ईरान में रेवोल्यूशन आई थी वो कौम से स्टार्ट हुई थी, और इस श्राइन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया था, क्योंकि इमाम खुमैनी ने जो पोस्टर्स वगैरह कुछ भी बनाए थे तो उन पर इस श्राइन की पिक्चर्स यूज़ की थी। इमाम खुमैनी कौम से थे और वो जब रेवोल्यूशन ख़त्म हुई थी दोबारा कौम में आए थे, और उनका जो मज़ार है वो इस श्राइन से मिलता जुलता काफ़ी सिमिलर उन्होंने बनाया है। मेरे ख्याल में ईरान की जो सबसे खूबसूरत तरीन श्राइन्स होंगी उनमें से एक है, तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो, इवन आप मुस्लिम ना भी हो, नॉन मुस्लिम हो, तो ज़रूर जाएँ जाके चेक करें, आपको जो उसका आर्किटेक्चर है बहुत अच्छा लगेगा, और अंदर एक बड़ा पुरसकून सा रिलीजियस माहौल है। तो उम्मीद करते हैं मैं आपको मैंने जितनी फुटेज बनाई है वो पसंद आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ से फारिग हो गए, अभी कोई कैफ़े वगैरह ढूँढते हैं और वहाँ जा कर बैठते हैं, क्योंकि मुझे लगी है बड़ी प्यास और भूख भी लगी हल्की सी, चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं बैठ जाएं और उसके बाद निकलूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा जो है कैफ़े वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शायद जो है ना अभी नज़र काम नहीं कर रही सही तरह। ये रश से निकल जाते हैं और उसके बाद बड़े आराम से बैठ जाएंगे कहीं भी। अभी हम लोग जो शहर के नीचे वाली मेन रोड है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये सामने सामने श्राइन का व्यू है जो मुझे दूसरी साइड से नज़र नहीं आया था, तो अभी नज़र आ गया। एक ये डोम है और एक दूसरी साइड पे डोम है जो गोल्डन कलर की है। मुझे यहाँ से पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल ज़्यादा नहीं है और मेरे पास जो रियाल्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए अभी जाके चेक करते हैं कि अगर मुझे वो यूरो मेरे कन्वर्ट भी कर दें और अच्छा रेट भी दें। लगता नहीं है कि वैसे यहाँ से मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट पेट्रोल हमें ज़रूर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लीटर्स डलवा लेते हैं जितने हमारे पास रियाल्स हैं। तहरान का शान नज़र आ गई है। ओ ये पीछे रेस्टोरेंट था यार, अब आगे से वापस होके आ सकते हैं कहीं से। हाय हाय
मिस हो गया, मिस हो गया। चलें अब देखते हैं आगे से नज़र आ जाए उसका, वो नज़र ही नहीं मुझे आया यार, गुस्सा आ रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं जी श्राइन में, यहाँ की गर्मी खाते खाते बिल्कुल सामने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है उसका यहाँ से। ये श्राइन है जी हज़रत हिलाल इब्ने अली अलैहिस्सलाम की। श्राइन बिल्कुल कशान के तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पर, सिटी के नाम जिस जगह पे ऐसे कहते हैं अरान वा बितोल। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, का कोशिश तो की है कि सही करूँ। और ये श्राइन बहुत खूबसूरत है, ना सिर्फ बाहर से खूबसूरत है, जिसका व्यू आता है स्पेशली जिसकी डोम है और उसके कलर्स हैं बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल मैचिंग आसमान के कलर से मिलते जुलते हैं। और जो अंदर है, अंदर का एरिया उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने सारे जो कारपेट्स हैं, जो दीवारें हैं, उनको डिसइनफेक्ट कर रहे हैं, तो वो बंद की हुई है। तो ये थोड़ा सा मुझे अफसोस रह गया कि मैं अनफॉर्चुनेटली आया हूँ और अंदर नहीं जा सका और अंदर से विज़िट नहीं कर सका, लेकिन यह कि जो मैं देख सकता हूँ वो देखता हूँ और उसके बाद जो है ना कशान की तरफ चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल या रिलीजियस बैकग्राउंड इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, और अक्सर ये होता है कि आपके मुँह से कुछ चीज़ निकल जाती है जिससे लोगों के फीलिंग्स जो हर्ट होते हैं, इसलिए मैं अपने कंटेंट को रिलीजियस कंटेंट से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे कोई मसला नहीं होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूं, बाकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके लिए हमारे अलामाज और जो जिनको इस चीज़ का पता है वो ज़्यादा आपको बता सकते हैं। तो अभी हम कशान की तरफ निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अगर मेरे में हिम्मत हुई थी हम कशान फिरेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल मैं जो अभी पानी के मैं एक लीटर पी के आई और अभी फिर मेरा गला खुश्क हो गया और दोबारा जाके हम फिर पीते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना वो मिल रहा है अंदर ही श्राइन के अंदर ही। तो अभी निकलते हैं बाहर की तरफ। ये है जी कशान का सिटी सेंटर और आप देख सकते हैं कि कितना अभी यहाँ पर सुकून है, और वो इस वजह से है कि दोपहर में इतनी गर्मी है कि लोग जो है ना आराम से घरों में बैठे सुकून कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद निकलेंगे जब यहाँ पे मौसम बेहतर होगा तो। और एक मैं हूँ और मेरी बाइक है जो कि आखिरी सांसें ले रही है बेचारी। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है हमें ढूंढना है कि हम करेंसी एक्सचेंज कहाँ कर सकें, तो वो किसी न किसी से पूछना पड़ेगा यार, कोई अल्लाह का बंदा हमें बता दे। ये तो इस साइड से तो टोटल बंद है, इधर से चल के देखते हैं, नहीं तो एटलीस्ट ये आप लोगों को एक राउंड इधर का ही लग गया। बस जितना मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी इस मौसम को देखने के लिए बेताब था। चेक करें, बहुत खूबसूरत लग रही है। चलते हैं यहाँ के, ज़्यादा से ज़्यादा फंस ही जाएंगे ना। और नहीं हुए तो नहीं, अबरारे कितने वाड़ दीती। चलो जी बंद भी हो गई। ये यहाँ का हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन है एक्चुअली। और ये सब आज बंद क्यों है? अच्छा सैटरडे का दिन है फिर भी क्यों बंद है? बंद तो नहीं होना चाहिए था, मैं सोच रहा था सिर्फ फ्राइडे को ही सब बंद होता है, या ब्रेक ले रहे हैं ये लोग सारे। और आप चेक करें कि सारी बाकी की जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उन्होंने की हुई है वो सेम उसी पैटर्न में की है जिस तरह के मॉस्क है, ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। अब मैं सोच रहा हूँ उसी रास्ते से वापस चलते हैं क्योंकि अभी हमें मॉस का व्यू जो है ना इधर से नज़र नहीं आ रहा, तो अगर हम वापस जाएं तो हो सकता है हमें नज़र आ जाए। लो जी ओ तेरी खैर, फंस गए।
stuck. Come back. Yeah, come back. Wait. वो गियर में थी. ओ आराम से. ये वन सेकेंड. वो पीछे बैग लगे हैं ना, तो बैग साइड पे फंस जाता है. ये निकला है. एंड टाइम पे हेल्प हमें मिल गई थी, और इसको थैंक यू बोलते हैं. शुक्र. मेरे पास इस टाइम ज़ीरो ईरानियन रियाल्स हैं, और जहाँ पे जाओ वो लोग मांगते हैं ईरानियन रियाल्स. अब मैंने जहाँ से पेट्रोल डलवाया था वहाँ पे मेरे पास आखिरी जो रियाल था मैंने वो भी कहा, मैंने कहा डाल दे भाई. लेकिन ये मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि मैंने लास्ट होटल में उसको पे कर दिए थे जितने मेरे पास रियाल थे, और वो काफ़ी ज़्यादा रियाल बनते थे 30 यूरो के हिसाब से. अगर मेरे पास वो होते तो मेरे अगले सारे जितने भी खर्चे हैं उनमें से काफ़ी कुछ पूरे हो जाते, लेकिन वो होटल वाला मान ही नहीं रहा. अभी इस बंदे ने, ये जो मेरे एक पीछे बैठा हुआ है, इसने कहा था कि मैं आपके चेंज करा देता हूँ, लेकिन वो आया, वो कहता बैंक हो गया क्लोज. मैंने कहा यार चलो 100 नहीं तो 50 के कर दे, मुझे तेल भी चाहिए और मुझे खाना पीना भी चाहिए, बड़ी भूख लगी है. यहाँ पे कशान में ये जो मॉस्क में है जहाँ पे आया हूँ, बहुत खूबसूरत मॉस्क है, इसकी बड़ी तारीफें मैंने सुनी थी, बड़ी पिक्चर्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये 6 महीने से क्लोज्ड है और कोई चांस नहीं है मे बी कि इसको ओपन करें अभी तक के नहीं. तो सब अंदर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, बाहर से जितना व्यू आता था वो मैंने बाइक पर आपको एक चक्कर लगा दिया. तो अभी जैसे ये चेंज हो गया उसके बाद रस्ते में एक छोटा सा विलेज आएगा अबाया, तो मेरा प्लान ये है कि उससे गुजरते हुए फिर हम जाएँगे. लेकिन अभी ना बहुत भूख लगी है, एनर्जी लेवल 0 पे आ गया, वो नहीं है तो करके नीचे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से. पैसे हमने यहाँ से चेंज करवा लिए हैं, और फाइनली मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि हम नवाबों की तरह ईरान में फिर सकते हैं. तो अभी हम निकल रहे हैं इस्फहान के लिए. रास्ते में ही मैं किसी जगह रुकूंगा, और कुछ कोई कॉफ़ी वगैरह तो नहीं, कुछ पीने के लिए तो मैंने अभी इधर से पकड़ लिया था, क्योंकि साथ ही सुपरमार्केट थी तो वहाँ पे बैठ के बंदा कुछ खा भी सकता है. या अगला मैंने जो विलेज का एड्रेस डाला है वो डाला है अबाया का, तो हम हो सकता है उसी के रास्ते में किसी जगह खड़े हो जाएँ. तो वो यहाँ से तकरीबन मुझे लगेंगे 1 घंटा और 16 मिनट नेविगेशन बता रही है. वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो मुझे कल उन्होंने फ्रूट दिया था ईरानियंस ने, वो इतना अच्छा फ्रूट था कि लिटरली बहुत ही आला अंगूर और बहुत ही आला ये आड़ू थे. अभी मैंने वही खाया उधर बैठ के, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी थी, तो मैंने कहा चलो इसी से गुजारा करते हैं अभी. यहाँ से आगे हैं जी 35 किलोमीटर, और इसी तरह की रोड है, और आगे हम माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं. थोड़ा सा मौसम उधर बेहतर होगा. ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली ये एरिया जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ अबाया विलेज की तरफ. इसके अलावा आगे जाते हुए नटांस आता है, एक सिटी आता है, तो यहाँ पे काफ़ी अंडरग्राउंड इनके जो रिएक्टर्स और इस तरह की चीज़ें हैं. और अभी मुझे वो जो बंदा जिसे मैंने मनी एक्सचेंज किया, उसने भी यही कहा था कि इधर तूने रास्ता नहीं भूलना, अपने रास्ते पर ही रहना है और सीधा सीधा जाना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मैं रास्ता शस्ता बोलता हूँ तो फिर इनके सवालात जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे, तो तुम्हारे लिए मसला क्रिएट करेंगे. इसलिए अपनी रोड पे रहना है और इस एरिया को क्रॉस करना है. ये चेक करें ना, आगे मिलिट्री वाले आ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. ये है जी अबाइना विलेज. तो 2500 साल पुराना विलेज है, और इस एरिया के सबसे पुराने विलेजेस में से एक है, और ईरान की कल्चरल और नेशनल हेरिटेज साइट्स में से शामिल किया गया है. गांव वाले थोड़े से मेरे साथ फ्रैंक हो गए थे, मैंने उनसे पूछा यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो कहते हैं आप साइड पे जाके ड्रोन उड़ाएं. तो अभी मैंने ड्रोन उड़ाया, क्योंकि सारी शॉट्स जो इस गाँव का अच्छा व्यू है. बेसिकली मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी ऊपर
एरिया में जाऊँ जहाँ से व्यू को कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि ड्रोन उड़ाने से दिल घबरा रहा था। लेकिन फाइनली मैंने ड्रोन उड़ाया और आप वो शॉट्स देख के, और मुझे निकलना है इस्फहान के लिए, क्योंकि इस्फहान यहाँ से मुझे लगेंगे 2.5 घंटे के करीब, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे, तो शाम होने वाली है, रात को ही बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचूँगा। तो अभी निकलता हूँ मैं वहाँ के लिए और आप ड्रोन शॉट्स देखें। अस्सलाम वालेकुम। फारसी नो उर्दू पश्तू पश्तू नो उर्दू 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 पाकिस्तान। ओके, मैं इधर से गुजर रहा था और मुझे कहते हैं चाय पी के जाओ, मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी जल्दी से। हम लोग अभी भी 50 किलोमीटर दूर हैं, सिर्फ 50 किलोमीटर, और आधा घंटा लगेगा हमें पहुंचने में अगर हम लोग यहां से जल्दी निकल जाएं तो। सो ऑफिशियली इस्फहान हमें वेलकम कर रहा है, ईरान इस्फहान, थैंक यू, खुश आमदीद, और इस्फहान की ट्रैफिक भी हमें वेलकम कर रही है। बड़ा खूबसूरत सिटी लग रहा है यार, बत्तियाँ शत्तियाँ भी इन्होंने बड़ी मचा के रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। होटल तो पॉश लग रहा है, चाहे पॉश हो चाहे ना पॉश हो, बस ये है कि यहाँ पे मैं गिरूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, डू यू रूम? यस यस, 1 पर्सन। क्या आला रूम मिला है और क्या अच्छा होटल है। मैंने उसे आते कहा, मैंने कहा भाई मेरे साथ तो डील कर, तो यूरो में या डॉलर्स में, क्योंकि मुझे तुम्हारी करेंसी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने इस होटल के पे किए अभी 20 यूरोज़ पर नाइट, जो कि मेरे ख्याल में जो क्वालिटी मुझे मिल रही है, बहुत साफ़ सुथरा वॉशरूम है, रूम जो है वो बहुत अच्छा है, साथ में बालकनी है। अभी तो वहाँ से बाहर का व्यू नहीं आ रहा, लेकिन कल सुबह व्यू आएगा। और नीचे मैंने बाइक खड़ी कर दी है, लेकिन अभी ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि जल्दी से जाते हैं बाहर जाके खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इससे पहले कि सारी दुकानें जो है वो बंद हो जाएँ। सारी दुकानें कह रहे हो, सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएँ। बहुत अच्छा था, और जो मैंने डिश ट्राई की इसका नाम है देसी। बेसिकली ये टिपिकल ट्रेडिशनल ईरानियन फूड है, और आपने देख लिया होगा जैसे वो मिक्स वगैरह कर रहा था, मीट जो यूज़ हुआ ये है लैम्ब मीट। और सबसे मज़े की और सबसे अच्छी चीज़ मुझे साथ में लगी है वो लगी है लस्सी।
लिटरली मैंने इस तरह की लस्सी कहीं पे भी नहीं पी, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने स्पेशल कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डाली हुई थी। अभी मैं जाते हुए इसे पूछ के जाऊंगा और घर जाके मम्मी को कहूंगा कि ये ट्राई करें। बहुत कमाल की, मुझे बड़े शौक से मैं लस्सी पीता होता हूँ, क्योंकि पेंडू लोग हैं भाई, शौक से लस्सी चलती है। इस रेस्टोरेंट का नाम है खान, और इससे पहले कि मैं बोल जाऊँ आपको अपने होटल का नाम बताना, मेरे होटल का नाम है सफावी, और बहुत चीप और बहुत अच्छा होटल है। उसके अलावा मेरा बड़ा दिल था कि मैं कशान में एटलीस्ट एक दिन स्टे करूं, क्योंकि कशान जो बहुत खूबसूरत सिटी है, लेकिन उसको देखने के लिए एक फुल डे चाहिए होगा एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरी कैलकुलेशन में एक दिन मेरे पास जो बचता है वो मैं कल यहाँ पे गुजारूंगा इस्फहान में, और इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरे मुँह से कोई रिलीजियस कुछ कॉन्टेंट, मैंने कोशिश की कि उसको सेपरेट रखूँ, कुछ ऐसी चीज़ निकल गई है तो काइंडली माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। मैं हर रिलीजन हर सेक्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, और मेरे लिए सब बराबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।